Around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. गाइस तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है बिल्कुल एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया चल रहा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अगर बढ़िया नहीं भी चल रहा हो तो बढ़िया हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं यार। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा देर नहीं बोली हमें तो यार। आज हम करने जा रहे हैं अपना फेस रिवील, वो भी अपने होम टूर के साथ यार। तो शुरू करते हैं यार बिना टाइम बर्बाद करे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चेक करने वाले एक नई सीरीज़ की शुरुआत, जो है माइनक्राफ्ट। और तुम्हें मेरा फेस रिवील हो गया होगा, मेरा नाम स्टीव है बच्चा, मुझे माफ़ कर देना ठीक है। मेरा नाम स्टीव है और मेरा अभी क्या कहते हैं फेस रिवील भी होने वाला है जब मैं इसका प्ले बटन दबाऊंगा, आई मीन होम टूर भी होने वाला है। तो शुरू शुरू करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। पहली फुर्सत में निकल। सबसे पहले तो यार क्रिएटिव में कर लूँ क्योंकि घर को दिखाने के लिए भैया हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो यार आगे बढ़ते हैं। अब तो तुम्हें यार दिख ही ना होगा, क्रिएटिव मैंने कर लिया है तुम्हारे आंखों के सामने। लेकिन 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 कही है, मैं सोच लेना है, मैंने घर क्रिएटिव में बनाया भैया, पूरी मेहनत करके घर बनाया है ठीक है ना। क्रिएटिव में बनाना होता ना तो मैं महल खड़ा कर देता, ये तो कुछ भी ना है ठीक है। तो सबसे पहले तो अंदर खोलते हैं दरवाजा, और अंदर भी क्यों नहीं जा रहे हैं, चल अंदर अभी बंद हो जाता ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक और एंट्रेंस, मैंने पता नहीं क्यों बना रखी इतनी सारी एंट्रेंस, तीन एंट्रेंस है पूरी, ये एक और एंट्रेंस है ठीक है यहाँ से। और ये मैं थोड़ी लूट क्रेट मारी, डब्बे वब्बे दिल में ज़्यादा खास लूट नहीं है वैसे तो। और भाई साहब ये हमारा आर्मर सेट गोल्डन वाला, भाई साहब ये माइन करते करते मिल गया था, मैंने सोचा पहनना तो होता नहीं वैसे भी, इसको यही लगा देते हैं। तो पता नहीं यूट्यूब से थोड़े आइडियाज देखे हम ऐसे वाले। तो और ये मेरा प्यारा सा डॉगू, मेरा वुल्फ, थोड़ा इसको खाना खिला देते हैं, इसका नाम है गोलू, तुम्हें दिख ही रहा होगा अभी आएगा रुको, हाँ आ गया, इसका नाम गोलू है तुम्हें दिख ही होगा होगा। और वैसे कहीं तुम ये मत सोच लेना ये इतनी कम टाइम में बन गया है, एक दो हफ्ते की मेहनत नहीं है ये, कम से कम एक दो महीने से मैं खेल रहा हूँ तब जाके ये सब हुआ है, वो भी ऐसे नहीं लगातार खेल रहा हूँ। तो ऐसे यार अगर तुम सोच रहे हो पबजी के गेम प्लेस क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर मोंटाजेस क्यों नहीं आ रहे, तो आजकल मेरा खेलने का पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा है, तुम सोचते हो ना कभी मूड ऑफ हो जाता है तो तुम समझ सकते हो। तो खैर यहाँ पे तुम्हें मेरी दो दो रेल गाड़ियाँ दिख गई होगी। और ये हमारा दूसरा डॉग, इसको मैंने थोड़ा टाइम पहले ही ढूंढा था तो अभी इसका मैंने नाम नहीं रखा, इसके लिए नेम टैग नहीं मिला मेरे को। तो यार अभी आगे चलते हैं, अब देखते हम कहाँ जाएंगे, और क्योंकि वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, हैंड टू हैंड नहीं बना रहा हूँ अभी। और यहाँ पे अब मैं सोच रहा था मैं ट्रेन पे जाऊँगा यार, हाँ और पता नहीं मेरी ट्रेन कहाँ चली गई वैसे तो। अब तो मैं ऊपर से एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ ये देखो, लेकिन भैया यहाँ का तो कोई स्विमिंग पूल का हालत बेकार हो रहा ठीक है। और तो मैं वो वाला भी व्यू दिखाने वाला हूँ, पहले तो मैं एक माइनक्राफ्ट निकालूँ ज़रा, हाँ ये माइनक्राफ्ट जो भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, माइनक्राफ्ट ही तो कहते हैं, मैं अभी पागल हूँ। तो इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और बस अगर तुम अभी एक तुम्हें अच्छा सा व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये देखो ये मेरा स्विमिंग पूल है जिसका व्यू अभी मिलने वाला है तुम्हें। हालांकि मैंने इसको स्विमिंग पूल बनाया था पर पता नहीं मैंने कांडवाड़ा क्यों कर दिया। हाँ तो ये मेरी मुर्गियाँ देख लो, जिसकी जिनकी रखवाली के लिए मैंने रखा है कि गोलम, जिसे हम कहते हैं आयरन गोलम ठीक है। पूरी आर्मी पड़ी भाई साहब आयरन गोलम की हमारे पास, इतनी आयरन वाली। और भाई साहब इनके हालत तो कुछ ज़्यादा खराब हो रखेगा, मतलब तुम देख रहे हो यहीं बेड पड़े, यहीं पानी, यहीं स्विमिंग पूल, यहीं बोटे, यहीं वो ट्रेडर भी यहीं रखा है ये देखो। और ये हमारा लावा रूम। और भाई एक सेकंड ये गोलम जल क्यों नहीं रहा है लावा में? ओ भाई ये क्या है? अबे तू क्या है भाई, तू इनविंसिबल है क्या? ये मतलब क्या है तू बता भाई, ज़ॉम्बी से तो लड़ते लड़ते मर देंगे, देखो लावा में बैठा है, कैसा ग्लिच था। और मेरे लिए पता नहीं मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश करा था अभी, तुम्हें जहाँ मुर्गियाँ दिखी थी दोबारा। और ये नेदर पोर्टल मुझे बनाने नहीं आता बिल्कुल भी, मैंने ट्राई करा था वीडियो देख के पर मेरे पे है ही नहीं और ऑब्सीडेंट, उसके लिए मुझे और लावा चाहिए। और मैंने जितना मिला मैंने उतने का सेटअप करा, मुझे लगा ऐसा बन जाएगा लेकिन नहीं बना यार, तुम मुझे बता देना कैसे बनता है। तो अब चलते हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सफारी करने, चल बैठ जा भाई, एक्चुअली मुझे आता नहीं अभी ढंग से करना, हाँ राइड कर। तो भैया एंड्रॉयड से खेल रहा हूँ ना इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो और ये मैंने ऐसे सेट कर रखा है, पता नहीं कितना घुमा। और यार ये मैंने मोन्यूमेंट से खड़ा तो कर दिया है बीच बॉय शुभ की वीडियो देख के, और मुझे मेरी माइनक्राफ्ट, हाँ तो मैंने बीच बॉय शुभ की वीडियो देख के खड़ा तो कर दिया ऐसे ही, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे करूँ क्या। यहाँ पे एक आयरन गोलम बैठा है पता नहीं कहाँ से आ गया है, मैंने तो नहीं बनाया लेकिन। और हाँ
मुझे बताना है तुम कमेंट में मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कुछ तो मतलब एक्सपी फार्म बनाऊँ या फिर अनलिमिटेड आयरन इनगट का फार्म बनाऊँ। ओ भाई साहब ये क्या हो गया भाई, शुक्र करो इसलिए मैंने क्रिएटिव में कर रखा था, मुझे लग ही रहा था मैं दिखाते दिखाते ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा और गिरता पड़ता रहूँगा। भाई क्रिएटिव में इसलिए करना पड़ा ताकि तुम्हें एक अच्छा सा व्यू मिले, बाकी मैंने बनाया ऐसे उसमें है सर्वाइवल में ही है। और मुझे यार ये ज़रूर बताना एडवेंचर वाला जो मोड होता है वो किस लिए होता है, मुझे यार ये नहीं पता, अगर किसी को भी पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार अभी अपने चलते दूसरी ट्रेन को देख लें, आई मीन दूसरी जो ये थोड़ी काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी क्या थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, बस इसको मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रखी है, ज़्यादा भी नहीं थोड़ी सी कर रखी है। चलो अभी चलते हैं थोड़ी राइड के ऊपर। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि देखो उसमें पूरा वाटरफॉल दिखता है ये, और ये पूरा देखो पूरे वो सारे के सारे मेरे गोलम सॉरी सारे विलेजर्स, और सीधा चलते रहेंगे, ठीक है सीधा चलते चलते अब हम पता कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे एक माइन केव में, आई मीन माइन केव क्यों कह रहा हूँ, ये केव दिख रही तुम्हें, ये मैंने इसी के लिए यहाँ पे ट्रेन रोक रखी है, एक और कहाँ से आ गई, अच्छा होगी चलो ठीक है, तो इसी के लिए मैंने इसे यहाँ पे रोक रखा है, नहीं तो मैं आगे तक बनाता क्योंकि आगे एक विलेज है इसलिए मैंने वहाँ के लिए बना रखा है, वैसे तो माइन जो के कार्ट है तो एक्चुअली इसलिए मैंने अभी इनको छोड़ा है जो मेरे दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे तो मैं दिख गई होगी। अच्छा तो मेरे कमेंटों को मैं ज़रूर बताना इसको मुझे सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और इस मुझे माइन कार्ट में जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लावा से मैंने हल्का सा ऑब्सीडियन यहाँ से लिया था उसके, लेकिन मैंने अंदर कुछ नहीं देखा अंदर है क्या नहीं, तो तुम बताओ अगली वीडियो में मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और टेंशन मतलब थोड़े दिनों में पबजी की वीडियोज़ भी आ जाएगी, थोड़े दिनों में क्या मेरे ख्याल से आ जाएगी कल परसों तक, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा, तुम समझ जाओगे ना कभी कभी बोरियत हो जाती है। चलो चलते अपने दूसरी माइन कार्ट की तरफ जो कि सीधा विलेज में जाएगी जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा विलेज मेरे काफ़ी पास है जो इससे मुझे हेल्प हो जाती है, मैं यहीं से तो विलेजर लाया हूँ। और तुम देख लो यार दो विलेजर थे, दो विलेजर लाया था बहुत मुश्किल से, लेकिन देख लो दो विलेजर थे कितने सारे विलेजर बना दिए आज मैंने, क्या करो बस पोटैटो खिलाओ इनको, तो पोटैटो फार्म बना रखो है ना भाई। तो एक्चुअली भैया यहाँ पे देख लो एक और केव है, तो भैया हम थोड़े टाइम बाद एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। ओ ये तो वही वाली है एक्चुअली, ये मैंने इधर लावा लावा डाल रखा है तो मेरे को याद आ गया कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये यहाँ पे विलेजर है। भाई मैं बताऊँ सच बताऊँ मैंने इस विलेजर को यहाँ पे कितना ढूंढा था, ये मिला नहीं, लेकिन ये फार्मर है पता तुम्हें यहाँ का। और ये देखो यहाँ पे तुम्हें फार्म वो दिख गया होगा फार्म, मैं इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद बना लूँ, जो पता ये जो बना हुआ मैंने इनको हड़प लिया, ये जो फेंस लगे पड़े हैं ना बाहर ये मैंने लगा रखे हैं, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त मैं यहाँ पे, एक्चुअली मैं वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ ना, पता नहीं टॉर्च से क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, काटो काफ़ी ट्रेवल से पागल हूँ क्या मैं, और पता नहीं मैं एक्चुअली वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ तो मैं हैरान हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी भैया फार्मिंग हम भी करना सीख लेते क्योंकि मैंने सच बताऊँ मैंने इनका हड़प लिया, मैं इतना आलसी हूँ कि मेरा बनाने का कोई मन नहीं हुआ इसको, क्या कहते हैं जो भी इसे कहते हैं हम फार्म को, हाँ तो ये इनकी घंटियाँ वंटियाँ भी थोड़ी बजा लेते हैं, कोई बात नहीं ये सब तो हो जाता है। तो अब वापस चलते अपने घर की तरफ तुम्हें और अच्छा व्यू दिखाने के लिए, एक सेकेंड लामा, ओ भाई साहब ये तो मैं लूँगा चाहे क्रिएटिव में लूँ चाहे इसमें लूँ, लेकिन मेरे को लामा ज़रूर चाहिए, चल हट बाहर में जा भाई ट्रेडर। तो भैया देखो ये मैं लामा को मैं लेके जा रहा हूँ तो इसमें ये मत कहना भाई तुमने भाई क्रिएटिव में लेके गया, भाई कोई बात नहीं ये है, इसको तो लेके ही जाऊँगा मैं क्रिएटिव में चाहे तुम कुछ भी करो, ज़रूरत होती है यार। तो फाइनली मैं लामा को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और इसको मैंने यहीं बांध दिया फ़िलहाल के लिए, तो बाद में देखेंगे कि इसको कैसे हम ब्रीड कराएंगे, ठीक है। मेरे को शायद लगता है हे बेल से ये ब्रीड हो जाती है, अगर इनसे नहीं होती तो आप मुझे बता देना किससे ब्रीड होंगी ये, और आगे देखते हैं भाई। अब तो मैं ओवरऑल पूरा व्यू दिखा देता हूँ मैं अपने मतलब जो भी है ये मेरा क्या कहते हैं मेरे होम का, अब तुम देखो उसे होम का होता है या कूड़ा खाना का हो या धर्मशाला भी कह सकते हो क्योंकि मैंने भाई विलेजर जो पाल रखे हैं इधर। तो भाई फ़िलहाल इतना ये काम कर लेते हैं अपना, अपनी माइन कार्ड ज़रूर ले लेते हैं